आज सऊदी अरब देश की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में की जाती है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं सऊदी अरब में तेल का उत्पादकों में सबसे बड़ा है। लेकिन क्या आपको पता है तेल की खोज से पहले सऊदी अरब का हाल कैसा था? आज हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं। आज सऊदी अरब में गगनचुंबी इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन पहले सऊदी अरब सिर्फ और सिर्फ एक रेत में बसा हुआ था। अगर आप भी सऊदी अरब के पहले के वेशभूषा के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट टुडेस दिस वीडियो। आज भले ही सऊदी अरब को शेखों का देश कहा जाता है, यहाँ हर किसी के पास बेशुमार पैसा मौजूद है। सऊदी अरब के लोगों के पास एक से बढ़कर एक महंगी और लग्जरी कार है। यहाँ के लोगों को सोने से भी बहुत ज्यादा प्यार होता है। शेर और चीते जैसे जानवरों को शेख पालते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था कि सऊदी अरब के लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि यहाँ की स्थिति इसके विपरीत थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरब में तेल की उत्पत्ति हुई, जिसके बाद सऊदी अरब की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। और आज सऊदी अरब कैसा है ये तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन उससे पहले देश की हालत कैसी थी ये शायद ही कोई जानता होगा। आपको बता दें कि सन 1932 में किंग अब्दुल अल अजीज ने सऊदी अरब की स्थापना की थी। ये वो समय था जब सऊदी अरब में तेल के भंडार की खोज नहीं की गई थी, और तेल की खोज से पहले तक सऊदी अरब का नाम दुनिया के सबसे गरीब देश लिस्ट में शुमार था। वहाँ ना तो सड़कें थी और ना ही किसी तरह की कोई बुनियादी सुविधाएं। वहाँ के ज्यादातर लोग अनपढ़ थे और कच्चे भोजन पर ही निर्भर थे। खेती बाड़ी के जरिए ये लोग अपना गुजारा किया करते थे। वहाँ पर सबसे ज्यादा खेती खजूर की जाती थी। इसके साथ ही वहाँ के लोग ऊंट और भेड़ों का भी इस्तेमाल किया करते थे। आज जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है, कई साल पहले वहाँ पर टूटे फूटे मिट्टी के घर बने हुए थे। वहाँ के ज्यादातर लोग हस्तशिल्प के काम से भी जुड़े हुए थे। इसके अलावा कुछ लोग ईस्टर्न और वेस्टर्न देशों में रोजगार की तलाश में भी जाया करते थे, जहाँ पर वे लोग साफ सफाई करना, गाड़ी धोना और मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। आपको बता दें कि सऊदी अरब में उस समय आय का सबसे अच्छा जरिया मक्का मदीना हुआ करता था। इस्लाम धर्म के लोगों के बीच हमेशा से ही हज को लेकर एक विशेष मान्यता रही है। वही जब हज करने के लिए लोग आते थे, उन्हीं के जरिए से सऊदी अरब के लोग कमाई किया करते थे। कई सालों तक इस देश में ऐसा ही चलता रहा। सऊदी अरब के लोगों के घरों में थोड़े बहुत पानी के कुएं हुआ करते थे, लेकिन रेगिस्तान होने की वजह से वो सभी कुएं धीरे धीरे सूखने लगते थे। और तो उस समय कई लोगों के घरों तक बिजली भी नहीं पहुंच पाई। सन 1950 तक सऊदी की हालत में ज्यादा सुधार नहीं हुआ था, क्योंकि सन 1950 तक सऊदी अरब के हालात बहुत ज्यादा नहीं सुधरे थे, क्योंकि इस साल अमरीका के एक नामी डॉक्टर अब्दुल अल अजीज का इलाज करने के लिए सऊदी अरब आए हुए थे। इन डॉक्टर के बारे में ऐसा कहा जाता था कि ये इलाज करने के साथ साथ फोटोग्राफी का भी शौक रखते थे। यहाँ तक सोते समय भी ये अपने गले में कैमरा लटकाए रहते थे। जब अब्दुल अल अजीज के इलाज के लिए डॉक्टर आए थे, उसके साथ इन्होंने सऊदी अरब के कई तस्वीरें भी ली, जो आज भी लोगों के बीच मौजूद हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि सऊदी अरब की हालत कैसी थी, कैसे वहाँ के लोग फुटपाथ पर दुकान लगाकर सामान बेचा करते थे। हालांकि सऊदी अरब में उस समय ज्यादा व्यापार नहीं हुआ करता था। एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुंचाने के लिए लोग टैंक का इस्तेमाल किया करते थे। वहीं लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता था। वहाँ के ज्यादातर लोग कबीलों में रहा करते थे। वे अपने खाली समय में मनोरंजन के लिए बाज के साथ खेला करते थे या फिर शिकार के लिए निकल जाते थे। उस समय वहाँ पर ज्यादा साधन भी नहीं उपलब्ध थे। जैसे तैसे लोग अपना गुजारा किया करते थे, लेकिन फिर अचानक से 1976 के बाद सऊदी अरब का समय बदल गया और ट्रेन पटरी पर आ गई, क्योंकि उस समय ग्लोबल स्केल में कच्चे तेल की मांग में बढ़ोतरी हुई और सऊदी अरब ने अपना उत्पादन बढ़ाया और देश के आर्थिक और सामाजिक सुधारों पर ध्यान देने लगी। तेल की बदौलत ही सऊदी अरब में सब कुछ बदल गया। खाने पीने की बेहतरीन सुविधा, अत्याधुनिक हॉस्पिटल, मॉल, होटल आदि बहुत ही कम समय में ये सारी सुविधा लोगों के बीच उपलब्ध हुई। आगे की स्थिति आज आप सभी के सामने है। आज सऊदी अरब जिस मुकाम पर खड़ा है, वहाँ तक पहुँचने का सफर कांटों से भरा हुआ था, और जैसा कि हम सभी जानते हैं
हैं कि तुर्कियों के साथ अक्सर सऊदी अरब की दुश्मनी बनी रहती थी। आपको बता दें कि दोनों के बीच की दुश्मनी आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से चली आ रही है। 7वीं शताब्दी के अनुसार मिडल ईस्ट के देशों में इस्लाम धर्म का प्रचार बहुत ही जोरों से किया जा रहा था और 7वीं शताब्दी में लोग जोरों शोरों से इस्लामिक धर्म कबूल कर रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे अरब लोगों की एक अलग पहचान बन रही थी। हालांकि ये पहचान अमीरी और गरीबी की नहीं थी बल्कि सऊदी अरब अपने किंगडम का आविष्कार कर रहा था। आदिवासी शासक मोहम्मद बिन सऊद ने एक धार्मिक नेता मोहम्मद बिन अल वहाब के साथ मिलकर एक संगठन की शुरुआत की। सऊदी अरब ने सन 1786 में अपने विजय मिशन की शुरुआत की और मक्का मदीना को जीत लिया। इस जीत में वहाबी आंदोलन की भूमिका भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। लेकिन 1816 में ऑटोमन एम्पायर ने सऊदी अरब पर कब्जा कर लिया और पहला सऊदी किंगडम पूरी तरह से खत्म हो गए। वहीं अगर दूसरा सऊदी किंगडम की बात करें तो 1824 से लेकर 1866 तक चला था और एक बार फिर रियाद सहित सभी देशों पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1902 में अब्दुल अल अजीज ने सिर्फ 40 साथियों के साथ मिलकर रियाद सहित अन्य देशों को वापस अपने कब्जे में ले लिया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सऊदी अरब अपने देश में तेल के ठिकाने ढूंढने शुरू किया गया। सन 1922 में न्यूजीलैंड के माइनिंग इंजीनियर मेजर फ्रैंक होम्स को ईस्टर्न पार्ट में तेल खोजने की जिम्मेदारी दी थी। हालांकि वो इस जिम्मेदारी को सही से उठा नहीं पाए और वो इसमें नाकामयाब हो गया। उसके बाद सन 1925 अमेरिका के माइनिंग इंजीनियर कार्ल ट्विचेल ने भी सऊदी अरब में तेल के स्रोत ढूंढने की कोशिश की थी। अपने काम में सफल तो नहीं हो पाए लेकिन उन्होंने तेल के बड़े बड़े भंडार होने के सबूत दिए थे। कई कोशिशें करने के बाद अंत में सफलता सन 1938 में एक अमेरिकी कंपनी को मिलती है जिसने सऊदी अरब में तेल की खोज की है। सऊदी अरब में जहां तेल खोजा गया था आज उस जगह को दाहरन के नाम से जाना जाता है। सन 1939 में तेल के ट्रांसपोर्ट के लिए पाइप को बिछाने का काम शुरू किया गया था और सन 1944 में रामाको कंपनी को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई थी तेल निकालने की। 1970 तक सऊदी अरब में तेल के नए नए स्रोत मिलना जारी हो गए। हालांकि इसके आगे की जानकारी सऊदी सरकार नहीं देती है कि उसके यहां कितना तेल भंडार है और ये कितने दिनों तक के लिए है। हालांकि सऊदी अरब के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि सऊदी अरब के पास 250 बिलियन बैरल तेल अब भी मौजूद है। लेकिन फिलहाल इन आंकड़ों को सही नहीं माना जाता है क्योंकि 1987 में सऊदी अरब की सरकार ने कहा था कि उनके पास 170 बिलियन बैरल तेल मौजूद है, जिसके बाद उन्होंने 1989 में ये आंकड़ा बढ़ाकर 250 मिलियन बैरल कर दिया था। वही रिपोर्ट्स की माने तो आज सऊदी अरब हर रोज 10 मिलियन बैरल से अधिक तेल निकालता है, जिसके हिसाब से उनके पास तेल का कुल कितना भंडार है इसका आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता है। सऊदी अरब अभी तक जो लग्जरी लाइफ के लिए जाना जाता है, लेकिन आपको बता दे सऊदी अरब की खुशियों में बहुत ही जल्द दुख अपनी एंट्री लेने वाली है क्योंकि दुनिया के कई देश पेट्रोल और डीजल जैसे फ्यूल पर अपनी निर्भरता कम कर रही हैं क्योंकि तेल की आए दिन बढ़ती कीमतों से परेशान कंपनी ने तेल के विकल्प की खोज की और बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन आ गए। इलेक्ट्रिक वाहन आने से लोगों की निर्भरता कम हो गई है। धीरे धीरे पूरा विश्व तेल के ऊपर अपनी निर्भरता खत्म कर रहे हैं और अपनी इकोनॉमिक को बूस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन पर जोर दे रहे हैं और अगर इसी तरह इलेक्ट्रिक वाहन आगे बढ़ते गए तो लोग तेल खरीदना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था बेकार हो जाएगी। इस स्थिति में सऊदी अरब को अपनी इकोनॉमिक को बचाने और खुद को दौड़ में बनाए रखने के लिए आय के नए सोर्स ढूंढने पड़ेंगे, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब तेल के भंडार होने के बावजूद भी अरब देश फिर से 1938 से पहले की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, सऊदी अरब के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और साथ ही हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बगल में लगे बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं ऐसी ही और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।